If you are an emotional person, empath, trying to find emotional balance, trying to find some spiritual guidance, this is the right place for you. Hello, I am Dr. Gunjan Vishwakarma. I'm a tarot card reader, vastu consultant, spiritual healer, motivational speaker and numerologist. अगर आपको अपने जीवन में स्पिरिचुअल हीलिंग चाहिए या मेंटल बैलेंस चाहिए तो मेरी टैरो रीडिंग्स के द्वारा आपको सही सही गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि ये चैनल ही है डिवाइन के थ्रू मैसेजेस आप तक पहुंचाने का, हीलिंग मैसेजेस आप तक पहुंचाने का और सही सही गाइडेंस जिसकी इस समय में आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है उसको आप तक पहुँचाने का। तो मैं अपनी टैरो रीडिंग्स के जरिए कोशिश करती हूँ डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर वो मैसेजेस आप तक पहुँचाने की जिनको सुनना अभी इस समय आपके लिए ज़रूरी है। YouTube पर होने वाली मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग्स, तो आप मेरी रीडिंग के संपर्क में कभी भी आए, इनमें ज़रूर आपके लिए कोई डिवाइन गाइडेंस होगा, इसीलिए हम आज कनेक्ट हुए हैं। तो पिक ए कार्ड रीडिंग्स के जरिए या आपकी राशि के अकॉर्डिंग मैं डिफरेंट तरह की कोशिश करती हूँ अलग अलग टॉपिक्स को उठाकर आपको सही गाइडेंस पहुंचाने की। आई एम ओनली अ मीडिएटर बिटवीन यू एंड द डिवाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। क्या आप अपने करियर, पर्सनल लाइफ, स्टडी या फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको सफलता कैसे मिलेगी आने वाले साल यानी 2021 में, तो ये रीडिंग है आपके लिए। इस रीडिंग को पूरा देखिए। पिक ए कार्ड रीडिंग, पिक ए पाइल रीडिंग होने वाली है और इसमें मैं आपके लिए चार पाइल्स दे रही हूँ। एक पाइल वो जिसको आप जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक पाइल वो जिसकी तरफ आप रिपेल हो रहे हैं, यानी एक पाइल जिसको आप पसंद कर रहे हैं और एक पाइल जो आपको पसंद नहीं आ रही, थोड़ी कम पसंद आ रही है, उन दोनों पाइल्स को आप चूज कीजिए। रीडिंग के स्टाइल से फ़ायदा ये होने वाला है कि जो काम आप ऑलरेडी सही कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको सही बता रही है, वो आपके लिए वो एक चुड़ाई से आपके लिए वो चीज़ ऑथेंटिक हो जाएगी कि यस आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और एक जो पाइल जिसकी तरफ आप रिपेल कर रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जिनकी तरफ आप देखना नहीं चाहते, जिन कमियों की तरफ आप ध्यान नहीं लगाना चाहते या जिनसे आप अभी भी बचना चाहते हैं, ओके, या फिर जिनकी तरफ ध्यान देने से आपको डर लग रहा है या आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, तो एक ओवरऑल बैलेंस्ड सिनेरियो आपके लिए निकल कर आएगा अगर आप दो पाइल चूज करेंगे। आपकी इच्छा है आप एक पाइल ही चूज करें, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक पाइल जिस पर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक पाइल जिस पर आप रिपेल हो रहे हैं, दोनों को आप सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको एक कंप्लीट सिनेरियो निकल कर आए कि 2021 में सफलता पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पाइल्स आपके सामने हैं। यहां पर हमारे पास चार पाइल्स हैं आपके लिए। द फर्स्ट पाइल इज द येलो जेस्पर पाइल। दिस इज द येलो जेस्पर पाइल। दूसरी पाइल जो है व्हाइट कलर का स्टोन आपको नजर आ रहा है, इनफाइनाइट स्टोन है। तीसरा पाइल फिर से येलो कलर का स्टोन है, हेलियोडोर स्टोन है। और चौथा ये स्मोकी क्वार्ट्ज के कलर का ब्लैक कलर का स्टोन है, मैग्नेटाइट ऑक्टाहेड्रन स्टोन है, क्रिस्टल है यहाँ पर। तो चार पाइल्स में से जो पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आप रिपेल हो रहे हैं, उन पाइल्स को चुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी बातों का पालन करें, कौन से चेंजेस लाएं तो आपके जीवन में सफलता आएगी 2021 में। साथ ही इनमें ये भी नजर आएगा कि कितने चांसेस हैं अगले आने वाले साल में आपके लिए सफलता के, कितने चांसेस हैं। तो जब तक आप ये पाइल्स को सेलेक्ट करें, मैं इस वीडियो को यहाँ पर होल्ड कर देती हूँ आपके लिए। और सामने जो आपको नजर आ रहे हैं ये यहाँ पर, ये जो ग्रिड्स मैंने यहाँ लगा रखी हैं, ये जो ग्रिड है दिस इज कॉल्ड एज दी मनी मैग्नेट ग्रिड, और दूसरी मैंने जो ग्रिड यहाँ पर लगा रखी है दिस इज दी अबंडेंस ग्रिड कहलाती है। अभी मैं इसको आपको और अच्छे से दिखाऊंगी और साथ ही मैंने अपने पास में आए हुए कुछ नए ब्रेसलेट्स भी आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। तो क्योंकि हम यहाँ सफलता की बात कर रहे हैं, करियर और फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं, तो ये सारे ही जो प्रोडक्ट्स आज आपके लिए आए हैं वो सफलता प्रदान करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, धन समृद्धि को अट्रैक्ट करने वाले प्रोडक्ट्स हैं और आपके अंदर एक उत्साह को, ऊर्जा को भरने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप 2021 में सफलता को पाना चाहते हैं तो न सिर्फ इन कार्ड्स के द्वारा आप
अपने लिए सही गाइडेंस पा सकेंगे, बल्कि आज इन प्रोडक्ट्स के द्वारा भी मैं आपको बताऊंगी कि इनके यूज से कैसे आपको सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास में पहला जो आपके लिए है दिस वन, ये ग्रीन एवेंचुरिन की प्लेट है यहाँ पर। ओके, ग्रीन एवेंचुरिन की प्लेट को मेटल में चारों तरफ से इस तरीके फ्रेम बनाया गया है, और उसके बाद में यहाँ बीच में ये जो स्टोन रखा हुआ है, दिस स्टोन, दिस इज सिट्रीन स्टोन, और ये रॉ सिट्रीन स्टोन है, बिल्कुल रॉ आप देख सकते हैं इसको। और उसके साथ में यहाँ पर 11 गोमती चक्रास रखे गए हैं, ये गोमती चक्र कहलाते हैं, और ऐसे 11 गोमती चक्र का इसके चारों ओर हमने सर्कल बना रखा है। इस ग्रिड को आप, इसको अबंडेंस ग्रिड कहा जाता है, और इस एनर्जी ग्रिड को, क्योंकि एक्टिवेशन एक्टिवेट होने के बाद आपके पास आती है, तो इस ग्रिड को आप अपनी वर्किंग टेबल पर रख सकते हैं, आप अपने मंदिर में, घर में रख सकते हैं। और इसके बाद दूसरी जो आपके लिए मैंने अबंडेंस ग्रिड, इसको मनी मैग्नेट ग्रिड कहा जाता है, इसमें नीचे की तरफ जो ब्लैक प्लेट आपको नजर आ रही है, दिस इज द ब्लैक टॉर्मेलाइन। मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करके दिखा देती हूँ। ओप्स, तो ये ब्लैक टॉर्मेलाइन यानी ब्लैक कलर की ये प्लेट है, और इसके ऊपर बीच में मनी मैग्नेट क्रिस्टल्स रखे हुए, यानी दिस इज द टाइगर आई, एंड दिस ग्रीन वन इज द ग्रीन एवेंचुरिन, एंड देन हियर इज दिस सिट्रीन, रॉ है, और 11 गोमती चक्रास से इनको एनसर्कल किया गया है। और ये भी प्लेट आप चाहें तो ये नेगेटिव एनर्जीज को भी रिमूव करेगी, लो एनर्जी अगर आपको फील होती तो उसको भी ये ठीक करेगी, और साथ ही आपको मनी की अबंडेंस यानी मनी फ्रिक्वेंसीज के साथ भी आपको अलाइन करेगी, मनी के वाइब्रेशंस के साथ आपको अलाइन करेंगे ये प्रोडक्ट्स, और आप इनको रख सकते हैं। आप mindfuljourney.co.in मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर आप पर्सनली मेरे ऑफिस नंबर पर 7424830300 पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वहां पर इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स की हम लोग डील करते हैं, एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं, जो नए लोग आए हैं, पुराने लोग तो सभी जानते हैं, नए लोग अगर पहली बार या नए नए मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स रहते हैं, प्रोडक्ट्स रहते हैं, टम्बल्स, स्टोन्स, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, जैसे भी आप लेना चाहें। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो मेरे पास में दिस ये देखो आप, रुद्राक्ष के साथ में सिट्रीन क्रिस्टल्स, सिट्रीन जो होता है वेल्थ, लक और हेल्थ केयर होता है, रुद्राक्ष जो होता है वो मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करता है, एक एम्पावरमेंट लाता है आपके अंदर, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट आपके अंदर लेके आता है। तो सिट्रीन प्लस रुद्राक्ष का ये ब्रेसलेट है, ये मेटेलिक चेन की कमी से या पावर की कमी से जूझ रहे हैं उनके लिए, और नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए और मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए रुद्राक्ष विद ब्लैक टॉर्मेलाइन, ये भी बहुत अच्छे क्रिस्टल हैं। तो ये चार रुद्राक्ष के साथ में मैस्कुलिन प्रोडक्ट हमारे पास में आए हैं, 2021 की शुरुआत आप इन प्रोडक्ट्स के साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने आप को मनी के वाइब्रेशंस के साथ में मैच करवाना चाहते हैं तो आप अबंडेंस ग्रिड या फिर आप मनी मैग्नेट ग्रिड का अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। आई थिंक आपने अब तक अपनी पाइल चुन ली हो। तो पहली पाइल के कार्ड्स हमारे सामने हैं, येलो जैस्पर कार्ड, वैनिटी कार्ड, मैनिफेस्टिंग बैलेंस कार्ड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, फेथ कार्ड, और उसके साथ ही एक कार्ड और है हमारे पास में, दिस इज द बिजनेस कार्ड, इसको मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहली चीज, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 2021 में आपके लिए सक्सेस है क्या, द आंसर इज यस, यस एंड यस। इस साल 2021 में आपके लिए सक्सेस लिखी हुई है। थोड़ी सी सावधानियां रखेंगे, थोड़े से टिप्स जो अभी मैं आपको देने वाली हूँ फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली ये ईयर होने वाला है आपका बेस्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर बेस्ट सक्सेसफुल ईयर ऑफ योर लाइफ। ओके, क्योंकि हमारे कार्ड्स इसी तरह के आए हैं। पहला कार्ड जिसकी बात हम करेंगे यहाँ पर, वैनिटी कार्ड का जो एसेंस है, जो सार है, वो मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगी। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ड्रीम बिग एंड एम हाई। अपना 2021 का मंत्रा बना लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है तो आपको बड़े लक्ष्य बनाने होंगे और अपने ड्रीम्स को आपको बड़ा करना होगा। और साथ ही साथ लेकिन एक मंत्र आपको और भी समझना होगा कि ज्यादा का मतलब सक्सेस नहीं होता, लेकिन बेटर का मतलब सक्सेस होता है। क्वांटिटी का मतलब सक्सेस नहीं होता, लेकिन क्वालिटी का मतलब सक्सेस जरूर से होता है। तो ड्रीम बिग, एम हाई एंड
work on quality rather than quantity. This should be your mantra for success in 2021. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि 2021 में आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे जब आप सेलिब्रेट कर पाएँ अपने कॉर्पोरेट सक्सेस को, आप सेलिब्रेट कर पाएँ. लेकिन आप जब सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हों या आप जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हों, ऐसे समय में ध्यान रखिए कि आपको शो ऑफ नहीं करना है, ओवर एक्सपेंडिचर से भी आपको बचना है. You know, there should be a balance between work and joy. There should be a balance between desire and lust. एक fine balance की ज़रूर से ज़रूरत है, क्योंकि जब हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं उस समय में गलत रास्ते पर चले जाना या अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेना या arrogance आ जाना या फिर ओवर एक्सपेंडिचर हो जाना, ये सारी चीज़ें सामान्य घटनाएँ, सामान्य बातें हो सकती हैं. तो इसलिए आप आगे बढ़ते समय ये ध्यान रखें कि लस्टफुल ना हो. डिज़ायर्स को ज़रूर पूरी करें लेकिन लस्टफुल ना हो. इतना अधिक काम भी ना करें कि आप जॉय करना ही भूल जाएं, फ्री टाइम रखना ही भूल जाएं, और इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन में भी ना डूब जाएं कि आगे के लिए आप अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लें. तो आपको वाइज एडवाइस लेने की ज़रूरत है अपने मेंटर से. अगर आपसे कोई बड़े हैं जो आपसे जो आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आप ही के फील्ड में जो आपसे अधिक अनुभवी लोग हैं, ऐसे लोगों से अगर आप मेंटरशिप में, अगर आप ऐसे लोगों की मेंटरशिप में काम करेंगे, ऐसे लोगों की अगर आप एडवाइस लेंगे तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा. अब हम बात करते हैं दूसरे कार्ड की, जो कि है मेंटेनिंग बैलेंस कार्ड. ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्धनारीश्वर का कार्ड है, शिव और शक्ति का कार्ड है. आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है. बैलेंस इन द सेंस मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस को, कहाँ पर लॉजिकल माइंड लगाना है, कहाँ पर अपनी इंट्यूशन का प्रयोग करना है, इस चीज को समझदारी के साथ आपको समझना होगा, सीखना होगा. और मेंटेनिंग बैलेंस का ये भी मतलब है कि आपको अपनी और वैसे मैं आपको बताती हूँ 2021 में आपके अंदर ऑलरेडी ऐसी क्वालिटीज आएंगी, आप ऑलरेडी अपने आप को बैलेंस करेंगे, फेमिनाइन मैस्कुलिन बैलेंस पर आप काम करेंगे. आपके अंदर एक फाइन बैलेंस धीरे धीरे आता रहेगा और हर चीज़ का बैलेंस आपके अंदर आएगा. एक्सपेंडिचर कितना करना है और सेव कितना करना है इसका भी, वर्क कितना करना है और रेस्ट कितना करना है इसका भी, हार्ड वर्क करना और ओवर वर्क करना है या उसके थोड़े समय बाद आपको रेस्ट कर लेना, इस तरह की विजडम आपके अंदर ऑटोमेटिकली खुद के अंदर ही आती जाएगी. और साथ ही साथ आप इस बात को भी समझेंगे कि अपनी क्लास को मेंटेन भी रखना है और शो ऑफ से भी बचना है. यानी शो ऑफ ना करते हुए भी अपनी क्लास को कैसे मेंटेन रखा जाता है, ऐसा फाइन बैलेंस क्योंकि आप 2021 के आने तक आप ढूंढ चुके होंगे अपने लिए, और क्योंकि आप अपनी मेंटर्स की सलाह पर काम कर रहे होंगे, और क्योंकि आप अपनी एनर्जी बैलेंस पर काम कर रहे होंगे, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस पर आप काम कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली ये एनर्जी बैलेंस आपको 2021 में सफलता की सीढ़ियां ज़रूर से चढ़ाने वाला है. इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, दिमाग लगाकर प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में, यानी कि अपने इमोशन और अपने लॉजिक दोनों को बैलेंस में रखकर वाइज डिसीजन लेते हुए, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में एक बैलेंस रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, और आप डेफिनेटली ऐसा बढ़ेंगे भी. अब हम बात करते हैं तीसरे कार्ड की आपके लिए, जो है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो, यू कैन हैव व्हाट यू वांट. ओके, आपको जो चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा ही हुआ है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. जैसे आप समय की लाइन पर, टाइमलाइन पर आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए समृद्धि के दरवाजे खुले हुए हैं. लेकिन आपको करना क्या होगा इसके लिए, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स, यू हैव टू बिलीव इन योर अचीवमेंट. आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस देना या प्लस आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, इस तरह की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस होती है वो अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली 2021 में प्रॉस्पेरिटी के रास्ते आपके लिए खुलेंगे. इसके अलावा आप चाहें तो आप
क्योंकि ये टॉरस जो कार्ड है ना, ये भी शक्ति का, कॉन्फिडेंस का, करेज का प्रतीक है। और यहाँ पर तो आपको कॉन्फिडेंस और करेज रखना होगा और खुद में विश्वास रखना होगा कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ या ये मैं अपने ड्रीम्स अचीव कर सकती हूँ। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये न्यू मून कार्ड है, तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार डेफिनेटली आपके लिए खुलने वाले हैं 2021। बहुत खूबसूरत कार्ड्स निकल कर आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब फर्स्ट कार्ड सेकंड कार्ड अच्छे निकल कर आते हैं तो फिर सारे डेक्स उसी को फॉलो करते जाते हैं और एक के बाद एक अच्छे कार्ड्स आपको उस पाइल में मिलते जाते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि विश्वास। अभी मैंने आपसे कहा था कि आपको खुद में विश्वास रखना होगा, आपको अपनी डिवाइन पावर्स में विश्वास रखना होगा, हाई पावर्स में विश्वास रखना होगा। इस कार्ड पर लिखा हुआ है हैव फेथ, फेथ ग्रोज वेन यू एक्ट विदाउट नोइंग द एंड रिजल्ट्स। फेथ उसी को तो कहा जाता है, जब आपको परिणाम नहीं पता होता उस वक्त भी आपको विश्वास होता है कि परिणाम अच्छे आएंगे, उसी को तो विश्वास कहा जाता है। तो जब आपको पता हो, जब आपको नहीं पता हो कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, फिर भी आप एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ये सोच के रखें कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, तो डेफिनेटली जो होगा वो अच्छा ही होने वाला है। तो अपने सफलता के लिए आपको विश्वास बना के रखना होगा। इसके अलावा आपके लिए जो कार्ड आया है जिसको आपने चुना था, येलो जेस्पर कार्ड, सबसे पहली बात तो येलो जेस्पर ही अपने आप में प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, समृद्धि का प्रतीक है ये कार्ड। इस पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़कर सुनाती हूँ। Are you paying attention to details? देखिए आपके लिए यहाँ पर जो मेन गाइडेंस निकल कर आई है वो है कि आपको डिटेल्स पर ध्यान देना है। डिटेल्स का मतलब है कि छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी बढ़ाने की बजाय क्वालिटी पर, फाइन डिटेल्स पर, छोटी छोटी डिटेल्स पर, यानी कि फाइन क्वालिटी को फाइन करने की दिशा में अपने काम पर आप ध्यान दीजिए। डू यू हैव ए टेंडेंसी टू ओवर स्क्रूटनाइज थिंग्स? कंसिडर रीऑर्गेनाइजिंग एंड रीअरेंजिंग योर होम सो यू कैन सी वॉट यू नीड टू सी एट ऑल लेवल्स। आपको ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। अपने घर के अंदर से डीक्लटरिंग कीजिए, ऑफिस के अंदर से डीक्लटरिंग कीजिए, और माइंड के अंदर से भी बेकार की चीज़ों को आप हटा दीजिए। बहुत ज़रूरी ज़रूरी सामान, ज़रूरी ज़रूरी पॉइंट्स अपने माइंड में रखिए ताकि आप फोकस हो सकें, क्लियर माइंड हो सकें कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। इट्स टाइम टू पे अटेंशन टू द मिनिएचर थिंग्स या माइन्यूट थिंग्स ऑफ योर लाइफ्स। विद फोकस यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ विद ग्रेट क्लैरिटी। तो अपनी जिंदगी के हर एक एरिया के अंदर छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली 2021 में सक्सेस आपके लिए है। येलो जेस्पर कार्ड अगर आपके लिए आया है तो आपको येलो जेस्पर आप पहन सकते हैं, आप सिट्रीन पहन सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ग्रिड के बारे में, अबंडेंस ग्रिड का आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप मनी को मैनिफेस्ट कर सकें। और इसके पीछे की तरफ जो कार्ड है माउस बना हुआ है यहाँ पर, माउस का मतलब है टाइनी थिंग, वही बात है, छोटी छोटी चीज़ों पर आप छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। पे अटेंशन ऑन माइन्यूट थिंग्स, पे अटेंशन ऑन फाइन डिटेल्स। और माउस की जो क्वालिटीज़ होती है जो हम सीख सकते हैं, माउस डेयर कर सकता है, माउस हिम्मत करता है अननोन जगहों पर घुसने की, किसी भी अननोन पाइप्स के अंदर घुस जाता है माउस। तो आपको भी थोड़ी सी कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आदत होनी चाहिए, डेयरिंग करने की हिम्मत होनी चाहिए, अननोन टेरिटरी में जाने की आपको हिम्मत होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर आप जाने से डर रहे हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं आता, उन कामों के अंदर जाइए और वहाँ पर अपनी आपको फाइन ट्यून कीजिए। वहाँ पर जहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है वहाँ छोटे छोटे सुधार कीजिए। तो डेफिनेटली 2021 में आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी सफलता इंतज़ार कर रही है। आपके लिए बिजनेस कार्ड भी निकल कर आया है, तो अगर आप 2021 में कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखें। और देखिए, अगर आप खुद पर ही भरोसा नहीं रखेंगे, अगर आप ही अपने आप पर भरोसा नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन आपके ऊपर भरोसा करेगा, इसलिए खुद पर भरोसा कीजिए। 2021 की टेकआउट, इस रीडिंग की टेकआउट ये है कि आप विन विन सिचुएशन में है, आप खुद पर भरोसा रखेंगे, आप माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर काम करेंगे, आप मेंटल और इमोशनल बैलेंस को अगर आप बनाकर रखेंगे और आप न्यू बिगिनिंग्स, नए बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ अगर आप ध्यान देंगे, अपने मेंटर्स की सलाह आप सुनेंगे और आप फिजूल खर्ची से बचेंगे लेकिन अपनी क्लास को मेंटेन करेंगे, तो डेफिनेटली 2021 का साल आपके लिए बेहतरीन सफलता का साल हो सकता है। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए, और अब देखते हैं कार्ड्स पाइल नंबर 2 के लिए।
तो पाइल नंबर टू के कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं, आपके लिए इनफाइनेट कार्ड, एनलाइटनमेंट कार्ड, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन कार्ड, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, सेल्फ लव कार्ड और कम्युनिटी कार्ड आपके लिए है। आपके सवाल का जवाब, क्या आपको 2021 में सफलता मिलेगी? यस बट नॉट येट, क्योंकि अभी आप सफलता को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। आपको कुछ तैयारी करनी होगी, आपको कुछ सेल्फ वर्क करना होगा, आपको कुछ डेवलपमेंट करने होंगे अपने अंदर, आपको अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलना होगा और आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। और बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो यस लेट इन द 2021 आपको सफलता मिल सकती है, या 2021 का जो साल है वो आपकी आगे आने वाली जिंदगी के लिए सफलता का प्रिपरेशन करने का साल है, आपका जो फाउंडेशन होती है उसको बिल्ड करने का साल है। बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि किसी भी इमारत की फाउंडेशन सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। 2021 में आपके पास मौका है अपनी आगे आने वाली सफलता को पाने के लिए मजबूत फाउंडेशन को आपको बना लेना चाहिए। जो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया है, एनलाइटनमेंट कार्ड आया है, एनलाइटनमेंट कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, और यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, आप देख रहे हैं छोटा बच्चा है यहाँ पर, और इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है इस कार्ड के पीछे। आपको अपने फियर्स को काबू करने की जरूरत है इस टाइम आपकी जर्नी पर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात नहीं है कि आपको सफलता मिले, ज़रूरी आपके लिए ज़्यादा ये नहीं है कि आप लक्ष्य को हासिल करें, बल्कि ज़रूरी आपके लिए है कि आपने रास्ते में क्या सीखा। मतलब डेस्टिनेशन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो जर्नी है जिस यात्रा पर आप इस समय में हैं और उस यात्रा पर जो आप सीख रहे हैं, उस यात्रा से जो आपको अनुभव मिल रहे हैं, वो आपके लिए इस वक्त में ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आपको एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है, आपको डेवलपमेंट खुद में, सेल्फ डेवलपमेंट की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आपको डेफिनेटली इस समय में ज़रूरत है। आपको, आप अपने फियर्स को फेस करेंगे, आने वाले जो 2021 का जो साल है इसमें आप अपने फियर्स को फेस करेंगे, आप बहुत अधिक ग्रो होंगे, आप स्ट्रांग बनेंगे इस आने वाले समय में। इस सब के डेवलपमेंट के लिए आपको थोड़ा सॉलिट्यूड में समय बिताने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने फियर्स को राइट डाउन कीजिए, अपने फियर्स को लिखिए, क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको डर लगता है, आपके लिए क्या चीज़ें आपको पेन कॉज करती हैं, पेनफुल चीज़ें आपके लिए क्या है। अपने फियर्स को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, फियर रिलीज़ करने की एक्सरसाइजेस कीजिए, क्योंकि फियर में बने रहना और ये सोचकर कुड़ते रहना कि मेरे को अभी तक सफलता नहीं मिली, बजाय इसके सफलता के लिए खुद को तैयार कीजिए, फियर्स को रिमूव कीजिए, तो डेफिनेटली आगे आने वाला साल, क्योंकि यहाँ सन कार्ड की तरह का ये कार्ड है, तो डेफिनेटली लेटर इन 2021 यू विल गेट सक्सेस, बट फॉर दैट बिफोर यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, बिफोर यू हैव टू रिमूव योर फियर्स अराउंड सक्सेस, फियर्स अराउंड मनी। मे बी आपको कुछ मनी ब्लॉकेजेस यहाँ पर हो सकते हैं, तो मनी ब्लॉकेज के ऊपर और फियर इशूज़ के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली 2021 में कुछ तैयारी के बाद आपको सफलता मिल सकती है। दूसरा कार्ड जो आपके लिए आया है, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन कार्ड आया है, इसमें माँ दुर्गा बने हुए हैं जो कि शेर की सवारी कर रहे हैं। आपको पता है कि माँ दुर्गा का जो रूप है ये ट्रांसफॉर्म्ड रूप है माँ पार्वती का। माँ पार्वती जो कि कोमलता का प्रतीक है, माँ पार्वती जो कि फेमिनाइन रूप का प्रतीक है, लेकिन माँ दुर्गा एक बैलेंस्ड फेमिनाइन का प्रतीक है, एक डिवाइन फेमिनाइन का प्रतीक है। तो और मुझे पता है कि मेरी रीडिंग ज़्यादातर देखने वाली डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं, तो आपको जो एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है, आपको जो बैलेंस पाने की ज़रूरत है, वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। आपके पार्वती रूप से आपके दुर्गा रूप को बदलेंगे, जब आप बदलेंगे अपने आप को पार्वती से दुर्गा में कन्वर्ट करेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर भी शेर बना हुआ है, शेर का मतलब होता है करेज। ओके, तो आपको अपने फियर्स को, आपको अपने डरों को जीतने की ज़रूरत है। माँ दुर्गा शेर की सवारी करती है, इसका मतलब ये है कि आपके जो सबसे अंदर दबे छुपे हुए गहरे डर हैं, वही आप, उन्हीं को आपको कंट्रोल करना है, सबसे बड़े डरों को ही आपको काबू करना है। और जब आपके अंदर इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब आपके अंदर इस तरह की शक्ति डेवलप होगी, तब आप कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपका 2021 में सफलता की आपकी शुरुआत होगी। माँ पार्वती की, माँ दुर्गा बनने की यात्रा, जो हिंदू माइथोलॉजी अगर आप लोग जानते हो तो आपको पता है बहुत दुर्गम यात्रा रही है। माँ पार्वती ने बहुत कठिन तपस्याएं की, अथक प्रयास किया, एक के बाद एक डरों को जीतते गए और लगातार उनकी परीक्षाएँ होती गईं, और उसके बाद वो माँ पार्वती से माँ दुर्गा का उन्होंने रूप लिया। और माँ दुर्गा जो है वो तेज का प्रतीक है, वो शक्ति का प्रतीक है, वो सामर्थ्य का प्रतीक है, आत्मविश्वास का प्रतीक है, दृढ़ता का प्रतीक है।
तो आपको भी अपने तेज में आना है, अपनी पावर में आना है, अपनी शक्ति में आना है, अपना सामर्थ्य को देखना है, खुद को समझना है कि मेरा सामर्थ्य क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। आपको अपने आत्मविश्वास को, खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से गेन करना है, ओके। और तभी आप सफल, तभी तो मैंने कहा है कि आपके लिए सफलता का इस समय में नींव तैयार करने का समय है। और यहाँ जो शेर बना हुआ है, शेर आक्रामकता का प्रतीक होता है, शेर शौर्य का प्रतीक होता है, शेर करेज साहस का प्रतीक होता है। तो आपको भी इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से अगर आप गुजरेंगे, सफलतापूर्वक गुजर पाएंगे, तो डेफिनेटली 2021 आपके लिए सफलता देने वाला साल होगा। देखिए यहाँ पर फिर से वही बात लिखी हुई है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। मैंने कहा ना कि पग पग पर जैसे माँ पार्वती की परीक्षा हुई, वैसे ये समय आपकी परीक्षा का समय है। आपका कमिटमेंट, आपका सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपका कितना कमिटमेंट है, अपने आप को डेवलप करने के लिए आप कितना अधिक कमिटेड है, सफलता को पाने के लिए आप कितना अधिक कमिटेड है, अपने डर को जीतने के लिए आप कितना अधिक कमिटेड है, अंधेरे से उजाले की ओर जाने के लिए आप कितना अधिक कमिटेड है। जितना अधिक आपका कमिटमेंट होगा, जितना अधिक आप अपने आप को पुश कर पाएंगे 2021 में, उतना ही अधिक आप सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये कार्ड आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर मून है, इसके अंदर आधा चंद्रमा चमक रहा है और आधा चंद्रमा इसमें ब्लैक है। इसका मतलब आधे ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो चुका है, 50% ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो चुका है और अभी और काम किए जाने की जरूरत है। आधा है, आधे की जरूरत है, इस तरह का ये कार्ड अपने आपको यहाँ पर बता रहा है। और जब क्योंकि यहाँ पर माँ पार्वती का कार्ड है, मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगी कि जैसे शिव जी आसानी से प्रसन्न नहीं हुए थे माँ पार्वती से और उनके कमिटमेंट को बार बार टेस्ट किया गया था, अलग अलग देवताओं के द्वारा उनका कमिटमेंट को टेस्ट किया गया था, तो यूनिवर्स या गॉड आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप खुद को साबित कर सकते हैं तो जरूर से आपको सफलता मिलेगी। आने वाले 2021 में आपको डिफरेंट चैलेंजेस आपके सामने दिए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये चैलेंजेस आपको परेशान करने के लिए नहीं है, ये चैलेंजेस आपकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए हैं। दृढ़ता के साथ इन चैलेंजेस का अगर आप सामना करेंगे तो आपको डेफिनेटली इस अंधेरे से उजाले की ओर आपकी जो यात्रा है, इस यात्रा में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसके बाद आपके लिए सेल्फ लव का कार्ड है, सेल्फ एनलाइटनमेंट, स्वयं के एनलाइटनमेंट, खुद के डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पड़ाव है वो है सेल्फ लव का पड़ाव। स्वयं से प्यार कीजिए, स्वयं को एक्सेप्ट कीजिए, स्वयं को अपनी गलतियों के साथ और अपनी खूबियों के साथ एक्सेप्ट कीजिए। अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को पहले एक्सेप्ट कीजिए और फिर उनको दूर करने का आप प्रयास कीजिए। और जो लोग सेल्फ लव करते हैं वो सेल्फ पिटी नहीं करते, वो सेल्फ खुद के ऊपर दया नहीं करते, वो खुद को कोसते नहीं, अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए कोसते नहीं, वो मानते हैं कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझे सुधार की ज़रूरत है और वो उसमें सुधार कर लेते हैं बिना खुद को ब्लेम किए या बिना किसी और को ब्लेम किए। केयर फॉर योर बॉडी इसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ आपको। सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस आर द अल्टीमेट एक्ट्स ऑफ सेल्फ केयर। तो आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव के द्वारा ही आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजरेंगे और ये 2021 का साल आपकी सफलता की तैयारी का बहुत इंपॉर्टेंट साल है। सेल्फ लव के जरिए, ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, एनलाइटनमेंट की प्रोसेस के जरिए आप डेफिनेटली पा सकेंगे उस सफलता को जिसको आप पाना चाहते हैं। और नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आपके लिए इन्फाइनिट कार्ड है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ मैं आपको बताती हूँ, ये मून स्टोन की तरह का भी कार्ड है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। क्योंकि आप चाहे तो आप मून स्टोन और सन स्टोन का, शिव शक्ति का जो ब्रेसलेट होता है वो आप यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा इसके अंदर। आर यू लिविंग विद जॉय एंड एंथुजियाज्म? तो आपको अपने अंदर के उस जॉय को, उस एंथुजियाज्म को, उत्साह को बना के रखना है। डू यू नो हाउ टू कल्टिवेट योर प्लांट्स एंड इंटेंशंस? और अपने अंदर के इंटेंशंस को कल्टिवेट करना है, इनको धीरे 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 उनको कल्टिवेट की हिंदी मुझे नहीं आती, उनको कल्टिवेट करना, यानी उनको जैसे ग्रो करना है आपको अपने अंदर। आर यू ईजिली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम वॉट इज बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड दोज यू लव? आप बार बार अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप जिस भी पाथ पर सफलता पाना चाहते हो उससे बार बार अपना ध्यान अगर आपका भटक रहा है तो उस ध्यान को आप ना भटकाएं। मेंटेन योर अवेयरनेस, अपनी जागृति में रहें, अपनी जागरूकता में रहें। मेंटेन योर अवेयरनेस ऑफ वॉट इज इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, जो आपकी जिंदगी में पाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ फोकस बना के रखें, उसके प्रति अवेयरनेस बना के रखें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। इंगेज इन एक्टिविटीज फॉर हीलिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। डेफिनेटली जैसा कि आपके कार्ड में आया, आपको पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल हीलिंग की दिशा में ध्यान देना चाहिए।
रिकॉग्नाइज द ब्लेसिंग्स ऑल अराउंड यू. जो कुछ भी टेस्ट आपका दिया जा रहा है आपके गाइड्स के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, ये ब्लेसिंग का रूप है. इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. जब आपके पास में कठिन समय से आप गुजरते हैं, वो समय कठिन नहीं है, वो समय आपको पावरफुल बनाने का समय है, वो समय आपके डर को जीतने का समय है. इस टेस्टिंग समय को आप थोड़ा सा दृढ़ होकर बिताएंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा 2021 में. और पीछे की तरफ इसमें ब्यूटीफुल बर्ड, हमिंग बर्ड इसके अंदर बनी हुई है. हमिंग बर्ड हमको क्या सिखाती है? हमिंग बर्ड हमको लगातार प्रयास करना सिखाती है. चाहे वो साइज में कितनी भी छोटी है, दूसरी बड़ी बड़ी चिड़ियाओं की तुलना में वो काफ़ी छोटी चिड़िया है, लेकिन फिर भी उसका अपना एक विशेष स्थान है. उसकी अपनी एक यूनिकनेस है. आपके अंदर भी कोई अच्छी यूनिकनेसेस होंगी जो दूसरी बर्ड्स में नहीं है. आप अपना कंपेरिजन दूसरे पक्षियों से ना करें कि वो कितने बड़े हैं, या वो कितना ऊँचा उड़ सकते हैं, या वो कितना दूर देख सकते हैं. ईश्वर ने सबको अपनी अपनी जगह पर यूनिक बनाया है. चाहे आपको लगता है कि आपका साइज छोटा है, चाहे आपको लगता है आपकी कैपेसिटी कम है, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो शायद हो सकता है कि बहुत सारे दूसरे लोगों में ना हो. तो अपनी यूनिक क्वालिटीज को आप पहचानिए, लगातार एक्टिव रहिए, बैलेंस में रहिए, बैलेंस बनाना सीखिए. और हवा में उड़ते हुए किस तरह से हमिंग बर्ड अपना फूलों का रस चूस लेती है, उस तरह से जहां जहां से जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज उठाने की है वहां वहां से वो इंपॉर्टेंट चीज पर उठा लिए. लक्ष्य पर अपनी नजर रखिए और लगातार एक्टिव बने रहिए. और अपने आप पर गर्व करना सीखिए, अपनी यूनिकनेस पर गर्व करना सीखिए. अपने आप को सारे कलर्स के साथ, अपने आप को सारे लाइवलीनेस के साथ एक्सप्रेस करना सीखिए. तो डेफिनेटली साल 2021 का साल आपके लिए बेहतरीन साल साबित होगा. और आप धन्यवाद देंगे कि इस साल में मेरे सामने जो भी ऑब्स्टेकल्स आए थे वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर गए. और कम्युनिटी का कार्ड है आपके लिए. जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आपको स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, या स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स भी लिखा हुआ है, तो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना चाहिए किसी अच्छे गुरु के अंडर में, किसी अच्छे स्पिरिचुअल हीलर के अंडर में, या फिर आपको अपनी सोल ट्राइब के साथ में अपने जैसे लोग, लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपको रहना चाहिए. पॉजिटिव और लाइक माइंडेड लोगों के साथ में अगर आप रहेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा जो आपकी आगे की जर्नी में आपको सफलता दिलाने में आपकी सहायता करेगा. ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए. और चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 3. तो पाइल नंबर 3 के कार्ड्स आपके सामने हैं. हेलियोडोर कार्ड है, जो कि हेलियोडोर क्रिस्टल है. विजडम कार्ड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स. टॉलरेंस कार्ड, विजडम कार्ड, एंड देन वी हैव डिप्राइवेशन कार्ड, प्रॉस्पेरिटी गाइड कार्ड फॉर यू. ओके, आपके सवाल का जवाब, आपको 2021 में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, आप सफलता पाने के बिल्कुल कगार पर हैं. अंतिम समय में आकर अपने हथियार डालने की अगर आप कहीं सोच रहे हैं, या अगर आप स्ट्रगल करते करते थक गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि बस मैं क्विट करने वाला हूँ, मैं क्विट करने वाली हूँ, तो रुक जाइए. 2021 जो ईयर है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है. थोड़ा और प्रयास, थोड़ा और धक्का, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के द्वार बिल्कुल खुल जाएंगे. तो अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय है. बहुत, जैसे हम कहते हैं ना, फ्रूट की राइपनिंग का समय है. आपने पेड़ लगा दिया, आपने उसको सींच दिया, वो पेड़ बड़ा हो गया, फ्लावर्स आ गए, फ्रूट आ गए, और अब वो फ्रूट जब पकने वाला है और आप उस फ्रूट को इंजॉय करने वाले हैं, ऐसे समय में अगर आप हार मान गए, ऐसे समय में अगर आप रिटर्न बैक हो जाएंगे, तो आपकी की हुई सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा. इसलिए कीप गोइंग, कीप डूइंग द हार्ड वर्क. क्योंकि यहाँ पर टॉलरेंस कार्ड है, लेकिन उस पर सूर्य देवता बने हुए हैं, सन बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत सारी अच्छी सारी सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी लेटर इन दी 2021. और अब तक का आपने अपने ऊपर जो काम किया, अब तक के आपने अपने जो प्रयास किए हैं, उनसे आपने बहुत सारी विजडम गेन की. आपने उनसे बहुत सारी एक्सपीरियंसेस, आपने उनसे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस गेन किया. लेकिन आप कहीं ना कहीं हार रहे हैं, निराश हो रहे हैं. डिप्राइवेशन की एनर्जी हमारे पास में है. डिप्राइवेशन कार्ड आपके लिए है. तो कहीं ना कहीं अगर लैक मेंटेलिटी में आ रहे हैं, कहीं निराश होते जा रहे हैं, कहीं हथियार डाल देने की तैयारी आप कर रहे हैं, तो रुक जाइए. 2021 में हो सकता है कि आपके प्रयासों के परिणाम आने का ये साल है. इसलिए प्रयासों को निरंतर जारी रखिए. आगे आने वाला समय
जो आपने इस समय में जो आप विजडम गेन कर रहे हैं, इस समय में जो आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, इस समय में आप जो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाकर फोकस बनाकर आप जो काम कर रहे हैं, इसके नतीजे आगे जाकर आपको मिलेंगे ही, क्योंकि जो कोई मेहनत करता है उसको परिणाम तो मिलता ही है। हो सकता है कि बिल्कुल अभी इस वक्त में आपको वो फल तैयार नहीं है खाने के लिए, लेकिन फल बन चुका है, पक रहा है। थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए और थोड़ा सा अपने माइंडसेट को नेगेटिव से पॉजिटिव की दिशा में शिफ्ट कर दीजिए। ओके, तो पहला कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर आया है वो है हेलियोडोर कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया है। इस कार्ड पर लिखा हुआ है, डू यू बिलीव यू आर लकी। सी, मैंने आपसे कहा ना कि आपको सिर्फ खुद पर विश्वास रखना है। आप क्या बिलीव करते हैं कि आप लकी हैं, या आप बिलीव करते हैं कि आप अनलकी हैं? अगर आप बिलीव करते हैं कि आप लकी हैं तो भी आप सही हैं, और अगर आप बिलीव नहीं करते हैं कि आप लकी हैं तो भी आप सही हैं, क्योंकि सच वही होता है जिस पर आप बिलीव करते हैं। आपके लिए वही सच हो जाता है जो आपका बिलीव सिस्टम कहता है। इसलिए बिलीव कीजिए कि आप लकी हैं, इसलिए बिलीव कीजिए कि जो कुछ भी चेंजेस आप इस समय में ला रहे हैं या वर्क इस समय में आप पुट कर रहे हैं, वो वर्क आपको लेटर ऑन आपको वो परिणाम लाकर देगा। आर यू टेकिंग द टाइम टू यूज योर इमेजिनेशन एंड रिलीज योर विशेस टू बी फुलफिल्ड। क्या आप इस तरह की इमेजिनेशन कर रहे हैं कि आगे आपको आपकी विशेस पूरी हो रही है, यानी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का आप प्रयोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो आप कीजिए। विजुलाइज योर गोल्स, अपने गोल्स को सीधा सीधा अपनी आंखों के सामने हर समय देखिए। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, वो सपना आपकी आंखों में 24 घंटे रहना चाहिए, वो विजन आपकी दिमाग में हमेशा बने रहना चाहिए। ओके, बिलीव दैट एनी एंड ऑल चैलेंजेस डिसिपेट विद ग्रेट एस। आप ये बिलीव कीजिए कि सारी अड़चनें जा रही हैं, सारी बाधाएं निकल रही हैं, मुझे अचीवमेंट्स मिल रहे हैं। आपको इस तरह के विजुअलाइजेशंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं नेगेटिव होते जा रहा है, आशा का दामन आप छोड़ते जा रहे हैं। इमेजिन योर लाइफ एज इफ इट इज ऑलरेडी फिल्ड विद अबंडेंस, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड इनर पीस। आप अभी से ये इमेजिन करना शुरू कर दीजिए कि आपकी जिंदगी में अबंडेंस है, गुड हेल्थ है, हैप्पीनेस है, इनर पीस है। आप इमेजिन करेंगे तो जो आप इमेजिन करेंगे वही आपके लिए हो जाएगा, ऐसा यहाँ इन कार्ड्स का आपके लिए संदेश है। ओके, और दूसरा कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर आया है, जो विजडम कार्ड आपके लिए आया है, ओके, तो विजडम कार्ड का ये मतलब है कि आप अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख रहे हैं, आप अपनी पुरानी गलतियों से सीख रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और अगर आप इस अपनी गलतियों से सीखने में, अगर आप गलती आपको देर हो रही है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आप वन मैन शो चलाने की कोशिश कर रहे हैं या सब कुछ आप अपने आप अकेले से ही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपने किसी मेंटर से, यानी अपने किसी गुरु से, अपने किसी सलाहकार से, किसी समझदार इंसान से आपको सलाह ले लेनी चाहिए। दूसरा जो व्यक्ति मोर एक्सपीरियंस है, जो इंसान को ज़्यादा समझ है, उस इंसान से आप उस इंसान से बातचीत कीजिए, उनकी विजडम का फ़ायदा उठाइए, अपनी हार्ट्स विजडम का फ़ायदा उठाइए, यानी अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए। अपनी ताकतों को आप पहचानिए, अपनी क्वालिटीज़ को आप पहचानिए और उनको इम्प्रूव करने की आप कोशिश कीजिए। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। ओके, और ये गिब्बस मून बना हुआ है। गिब्बस मून का मतलब होता है समथिंग इज बर्थिंग, कोई नई चीज़ पैदा हो रही है, पुरानी चीज़ से नई चीज़ पैदा हो रही है, कंप्लीशन के कगार पर है। जो चौदहवीं का चांद जिसको हम बोलते हैं ना, उस तरह का, पूर्णिमा से जस्ट पहले, यानी मैंने आपको बोला ना, राइपनिंग का समय आ चुका है, कंप्लीशन का समय आ चुका है। जैसे चौदहवीं का चांद और पूर्णिमा के चांद के बीच में केवल एक दिन का अंतर होता है, ऐसे ही आपके और आपकी सफलता के बीच में बहुत कम प्रयास की अब ज़रूरत है, बहुत कम इंतज़ार की अब ज़रूरत है, और आप अपनी गोल तक आप पहुंचने ही वाले हैं। ओके, तो जो इस पर लिखा हुआ है और जो इसकी जिसकी जो डायग्राम बना हुआ है, जो इमेज बनी हुई है, बहुत आपको बताने के लिए, समझाने के लिए काफी है कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज बाहर निकल कर आने ही वाली हैं। आपकी सफलता बहुत आपके करीब ही है, आपको थोड़े से एडजस्टमेंट अपने लिए करने होंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा वेट आपको करना होगा, और आपको थोड़े से सुधार, थोड़े से एडजस्टमेंट अभी और आपको अपने अंदर करने होंगे। थोड़ा सा अपने प्लान्स को रिव्यू कर लीजिए, कहीं शॉर्ट डिटेल्स में, कोई फाइन ट्यूनिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फाइन ट्यून कर लीजिए, और मोमेंटम को बना करके, इतने समय आपने जो मेहनत करी उस मोमेंटम में कमी मत आने दीजिए, उस एक्शन में, उस प्लान में कमी मत आने दीजिए। जितना फोकस आप अब तक रहे हैं और थोड़ा फोकस होके रहिए, और
अगर आपके माइंड में कहीं कुछ प्लान चेंज करने की इच्छा हो रही है, कुछ अमेंडमेंट करने की इच्छा हो रही है, तो आप वो नया कुछ शुरू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते रहिए और बहुत ही जल्दी आपकी जो पुरानी साइकिल है वो एंड हो जाएगी और आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। और नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर आता है, टॉलरेंस कार्ड। टॉलरेंस कार्ड का मतलब है वही जो मैंने आपको कहा, थोड़ा सा समझदारी रखिए, थोड़ी सी धैर्य रखिए आप। और ये सन कार्ड है, सूर्य देवता का रथ है जो चल रहा है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस की दिशा में आप बढ़ रहे हैं। और सक्सेस का मतलब देखिए, हमेशा ये नहीं होता कि जब कभी आपके मन का हो गया तो वो सक्सेस हो, जब कभी आपके मन का नहीं हुआ तो वो सक्सेस नहीं है। आप जिंदगी में सीख तो रहे ही है ना, आप जिंदगी में पॉजिटिवली आगे बढ़ तो रही है ना। पीछे मुड़कर देखिए, आप अपनी पीछे की स्थिति को देखिए तो आपको पता चलेगा कि अभी आप पहले से काफ़ी बेटर स्थिति में है। तो हर दिन जो आप पा रहे हैं, हर दिन जो आप उसको हर दिन को काउंट कीजिए, हर दिन जो आप विजडम गेन कर रहे हैं वो भी सफलता है। हर एक फेलियर भी सफलता का ही रूप होता है, फेल होते ही नहीं अगर आप सफलता का प्रयत्न नहीं करते। और मैं तो ये मानती हूँ कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। बिना फेल हुए आप अधिक बड़ी सफलता की दिशा में आप प्रयास ही नहीं करें, कभी ट्राई ही नहीं करें। इसलिए अगर आप फेल हो रहे हैं तो मान के चलिए कि आप अपने आप को एक और बड़ी सफलता के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहां पर अगर आपके 2021 की बात करें तो ध्यान रखिए कि ये एक साइकिल है, पिछला साइकिल खत्म होने वाला है, नई साइकिल में एक सक्सेसफुल साइकिल में आप एंटर करने वाले हैं। और सफलता कभी भी हमेशा 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 के लिए नहीं आती, सफलता हमेशा साइकिल्स में आती है। सफलता आप अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कभी आपको लगेगा कि आप सफल है और कभी आपको उससे कम सफलता मिलेगी तो आपको लगेगा कि आप फेल हो रहे हैं। तो एक्सेप्ट करना सीखिए, सफलता हो या कोई भी चीज़ हो साइकिल्स में आती है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें वो भी साइकिल्स के अंदर आता है। तो अपनी हर एक साइकिल के हर एक हिस्से से जब आप गुजर रहे हैं उसको वेलकम करना सीखिए, उसको उससे विजडम गेन कीजिए और उस गेन्ड विजडम से आप आगे बड़ी सफलता के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अगर किसी भी तरह का डिप्राइवेशन की फीलिंग आपको आ रही है, कमी की फीलिंग अगर आपको आ रही है, तो आप इस कमी की फीलिंग को अपने अंदर से जाने दीजिए। प्रॉस्पेरिटी गाइड नाम है यहाँ पर, तो प्रॉस्पेरिटी गाइड का मतलब ये है कि अपने आप को प्रॉस्पेरिटी के लिए ट्यून कीजिए, अपने आप को प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रोग्राम कीजिए। कीप गिविंग योर सेल्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस, बी इन ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइज योर गोल्स एंड सक्सेस, एंड देन यू विल गेट वॉट यू डिजायर, वॉट यू नीड। लैक मेंटेलिटी में से, पॉवर्टी मेंटेलिटी में से बाहर निकलिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और जो आपने प्रयास करने शुरू किए हैं उस मोमेंटम को जारी रखिए, उस फोकस को बनाए रखिए। तो डेफिनेटली आने वाला समय यानी कि 2021 का समय आपके लिए हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण साल, और पॉजिटिविटी को बनाए रखिए जरूर से। ओके, और चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 4 के लिए। पाइल 4 पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है मैग्नेटाइट, ऑक्टाहेड्रन कार्ड, रिकवरी कार्ड, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी विच इज फुल मून इन पाइसिस, गुड क्वालिटीज एंड एक्शन कार्ड, एंड देन डिसिप्लिन कार्ड इज देयर फॉर यू। आपके लिए ढेर सारी नसीहतें लेकर आया है ये पाइल। डेफिनेटली ये पाइल आपको प्रॉमिस करता है कि अगर आप अपने अंदर कुछ बिग चेंजेस लाने को तैयार हैं तो डेफिनेटली सक्सेस तो आपको मिलेगी ही, क्योंकि जो कोई भी अपने आप पर काम करता है सक्सेस उसको मिलती ही है। तो अगर आपको कुछ यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। पहला कार्ड यहाँ पर रिकवरी कार्ड है। मोस्ट पॉसिबली आपको पास्ट ट्रॉमा से रिकवरी की जरूरत है, आपको अपने पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस से रिकवरी की जरूरत है। मे बी आपका इनर चाइल्ड वूंडिंग है, या आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग की जरूरत है, या आपको अपने किसी न किसी तरह की रिकवरी की आपको डेफिनेटली जरूरत है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर की बनी हुई है, चाबी बनी हुई है इसके अंदर, और यहाँ पर एक तीन फिगर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी, क्योंकि हम यहाँ मनी की या सफलता की बात करें तो आपको मनी ब्लॉकेज पर काम करने की जरूरत है। सर्वाइवल मोड में मत रहिए, सिर्फ बस ये मत सोचिए कि कैसे भी करके जैसे तैसे दिन काट रहे हैं, जैसे तैसे काम चल जाए। इस तरह की अगर आपके सर्वाइवल मोड वाली आपकी एनर्जी है तो आपको नए तरीके से जीना सीखना होगा, रीडिस्कवरी करना होगा कि जीने का सही तरीका क्या होता है, सोचने का सही तरीका क्या होता है। अगर आप लेजीनेस
रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं, या आप पास्ट को बार बार कोसते हैं कि मेरी पास्ट में ये होने की वजह से मैं सफल नहीं हुई या ये होने की वजह से मेरा काम नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आपको उस चाबी को ढूंढने की ज़रूरत है जिससे आप चेंज को कर सकें, ना कि आपको बार बार बंद दरवाज़ों को कोसना है, बल्कि आपको उस की को ढूंढना है, आपको उस चाबी को ढूंढना है जो आपको सफलता की दिशा में ले जाएगी। तो आपके लिए यहाँ पर जो गाइडेंस आ रही है 2021 में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, डियर डिवाइन सोल, अगर आप सफलता चाहते हैं तो बी अ प्रोएक्टिव, अभी से एक्टिव हो जाइए आगे की जिंदगी में। अगर आप सफलता चाहते हैं तो अभी से एक्शन लीजिए, स्टार्ट टेकिंग एक्शन राइट नाउ, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर भी एक्शन का कार्ड आया है। ये रहा आपके लिए एक्शन का कार्ड, तो आपके लिए यहाँ पर भी एक्शन का कार्ड आया है, तो अभी से लगातार प्रयास शुरू कर दीजिए, अभी से चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दीजिए, यात्रा शुरू कर दीजिए, प्रयास शुरू कर दीजिए, तो ही आप आगे की लाइफ के अंदर अगर आप चाहेंगे तो आपको यानी कि आपको गुड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। या लिखा है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के नाम पर प्रोकास्टिनेट करते हैं कि ध्यान में बैठे हैं इसलिए हम काम नहीं कर रहे, कि हम पूजा पाठ करते हैं इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान का बहाना करके प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपने स्पिरिचुअल वर्क को और प्रैक्टिकल जो आपकी लाइफ है उसके बीच में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर आप इमोशंस में ही ड्वेल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पुरानी चीज़ों को ही आप बार बार रिकॉल किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सुधार की डेफिनेटली आपको जरूरत है। ओके, तो ध्यान के बहाने से या फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में लगे हुए, पूजा पाठ में लगे हुए हैं इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूं, और सिर्फ सोचे जा रहे हैं आप काम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल वर्क अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि भगवान भी चमत्कार उन्हीं के लिए करते हैं जो अपने लिए कुछ करने की ठान लेते हैं। अगर आप अपने लिए अपना समय बदलने के लिए आप कमर कसेंगे तो आप चमत्कारों की उम्मीद ईश्वर से भी कर सकते हैं। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं, इसलिए अपनी मदद को हाथ आप बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ईश्वर भी आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। और देखिए यहाँ पर आपको सीधा आपको कहा जा रहा है, गुड क्वालिटीज़ का कार्ड आपके लिए आया, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को मेंटेन करने की दिशा में कोशिश कीजिए। इस पर लिखा है द ब्राह्मिन्स वर्क इज बॉर्न ऑफ हिज नेचर एंड क्वालिटीज पीसफुलनेस सेल्फ कंट्रोल फॉरगिवनेस ऑनेस्टी लर्निंग विजडम एंड फर्म फेथ इन सुप्रीम गॉड। आपको बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है जिनको अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे जाकर आप राज्याभिषेक हो रहा है, देखिए राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तभी आप राज्याभिषेक के काबिल होंगे, यानी तभी आपको सफलता मिलेगी। राम स्वयं भगवान थे, भगवान के अवतार थे, लेकिन फिर भी राज्य पाने तक की उनकी जो सफलता थी, राज्याभिषेक तक का तो उनका जो सफर था वो कोई सरल सफर नहीं रहा था। तो आपको भी अगर सफलता पानी है तो आपको भी अपने आप को प्रूव करना होगा, जैसे कि राम को राज्य जो था अपने फादर से मिला था, उनको डेस्टिनी के तौर पर वो राज्य मिला था, लेकिन उन्होंने जो डायरेक्टली जो उनको मिल रहा था स्पून फीडिंग के थ्रू उनको जो राज्य मिल रहा था, उन्होंने उस राज्य को नहीं लिया, बल्कि अपने आप को प्रूव किया कि वो उस राज्य को लेने के काबिल हैं। उस राज्य को लेने के पहले उन्होंने पूरे विश्व के अंदर अपनी सफलता का परचम लहराया, विदेश में जाकर, यानी श्रीलंका में जाकर उन्होंने अपनी अपनी सफलता का परचम लहराया, बहुत सारे राजाओं महाराजाओं से मित्रता करके आए, तब उन्होंने आकर अयोध्या का राज्य संभाला, हक के साथ अधिकार के साथ उन्होंने राज्य संभाला। यानी पहले आप अपने आप को प्रूव कीजिए, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कीजिए, आप लोगों को दुनिया को प्रूव कीजिए कि आप काबिल हैं, आप सफलता पाने के हकदार हैं, और तब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। और ना सिर्फ लोगों के सामने, क्योंकि हम लोगों के सामने नहीं, साबित आपको अपने आप को खुद के लिए करना है और साबित आपको ईश्वर के लिए करना है। जब ईश्वर या यूनिवर्स ये देख लेगा कि आपके अंदर गुड क्वालिटीज़ हैं, आप योग्य हैं सफलता पाने के, तब आपको, और आप प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं, जैसा कि आपके लिए एक्शन कार्ड बता रहा है, अगर आप प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं, अगर आप आपकी क्वालिटीज़ हैं, अगर आपकी पात्रता है, तो डेफिनेटली आपको दिया जाएगा। आपने बहुत सारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डेफिनेटली किया है, मुझे ऐसा लगता है आपको प्रॉपर गाइडेंस भी आ रही है, लेकिन उस प्रॉपर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को अभी तक आपने प्रॉपर एक्शन प्लान में आपने नहीं लेकर आए हैं, इसीलिए आपको सफलता से आप थोड़ा भी दूर हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बहाने प्रोकास्टिनेट करना बंद कीजिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन मटेरियल लाइफ में एक्शन लेना, मटेरियल लाइफ में प्रोकास्टिनेट नहीं करना, मटेरियल लाइफ में प्रोएक्टिव रहना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। और आपके लिए जो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया वो है डिसिप्लिन का कार्ड आया है,
तो डेफिनेटली आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है. मास्टर टीचर कार्ड है, अगर आप अपने आप की एनालिसिस कीजिए, आप अपने आप को अपने आप का टेस्ट कीजिए, यहाँ पर ग्राफ वगैरह बने हुए, तो आपकी डेली ग्रोथ आप चेक कीजिए, आप अपना समय किस तरीके से बिताते हो उसको चेक कीजिए, आप अपने अंदर की केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री यानी अपने हेल्थी फूड हैबिट्स पर ध्यान दीजिए, अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स पर ध्यान दीजिए, आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अपनी नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश कीजिए, और डिसिप्लिन्ड लाइफ अगर आप बिताना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली 2021 आपके लिए बहुत तो सफलता लेकर आ सकता है. और नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर है, मैग्नेटाइट ऑक्टाहेड्रन का कार्ड है. इस पर एक ब्यूटीफुल मैसेज जो आपके लिए लिखा है मैं पढ़ के सुनाती हूँ. आर यू रेडी टू अवेकन योर कॉन्शियसनेस? क्या आप अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए तैयार हैं? डेफिनेटली आप कॉन्शियसनेस पर काम तो कर ही रहे हैं. हाउ डिसर्निंग आर यू? आर यू टू जजमेंटल? यस. कई बार पता हम क्या करते हैं कि जब सारी लाइटें हरी हो जाएंगी फिर हम घर से गाड़ी निकाल लेंगे. इस तरह की अगर आपकी एनर्जी है तो आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा जजमेंटल मत होइए, ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, एक्शन में आइए, एक्शन मोड में आइए. ओके. देर इज़ अ ग्रेट वैल्यू इन गोइंग विद इन टू सॉर्ट आउट योर थॉट्स, एस्टेब्लिश द स्पेस टू मेक ऑर्डर आउट ऑफ केओस, गेन क्लैरिटी ऑन द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. ओके. तो आपको जितनी जजमेंट जितनी आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना था आपने कर लिया, आप बैठकर बहुत अधिक जजमेंट मत करते रहिए सिचुएशन का, एक्शन प्लान बना लीजिए और एक्शन करना शुरू कर दीजिए. और यहाँ पर बियर बना हुआ है, भालू बना हुआ है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने हाइबरनेशन से बाहर निकलिए, अपनी शीत निद्रा से बाहर निकलिए. ओके. शहद खाने का समय जा चुका है, नींद निकालने का समय जा चुका है, एक्टिव हो जाइए तभी आपको 2021 में सफलता मिलेगी. तो ये थी रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग. 2021 में क्या आपको सफलता मिलेगी, यदि मिलेगी तो कैसे मिलेगी? आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और इस रीडिंग को आप पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए, और मेरे चैनल पर विजिट करके ओल्ड वीडियोज़ को भी देखिए, क्योंकि मेरे सभी वीडियोज़ होते हैं टाइम लेस वीडियोज़. और इसके अलावा अगर आप मेरे से एक पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर, मैसेज कीजिए, पर्सनल सेशन लीजिए, साथ ही लीजिए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स, क्रिस्टल और अरोमा थेरेपी की गाइडेंस भी फ्री. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आई विल बी बैक सून. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.